तो कॉमिकर्स में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस साल 2023 में बहुत सारी हॉलीवुड मूवी आने वाली है, पर हम लोग में से कईयों को नहीं पता होगा इस साल कौन कौन सी मूवी है और वो कब आने वाली है। और जैसा मूवी हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब पॉप कल्चर टाइप, तो इसी को देखते हुए मैं 2023 में आने वाले हॉलीवुड मूवी का लिस्ट लाया हूँ, फरवरी से दिसंबर तक का, क्योंकि जनवरी तो जा चुका है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फरवरी से। फरवरी में दो मूवी है हमारे लाइक। पहला 17 फरवरी को है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, और ये इस साल की पहली सुपर हीरो मूवी होगी और ये MCU के फेज 5 को भी स्टार्ट करेगी। और दूसरा 24 फरवरी को है कोक एंड बियर, ये रियल इवेंट पे बेस है और ये थ्रिलर और डार्क कॉमेडी होने वाला है। और अब मार्च में आते हैं। मार्च में है टोटल 4 मूवी। पहला 10 मार्च को है 65, जो एक साईफाई थ्रिलर मूवी होने वाला है। दूसरा DC की तरफ से है इस साल का पहला मूवी 17 मार्च को, शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड, और ये सबको पता ही है शज़ैम सुपर हीरो मूवी है प्लस कॉमेडी भी। तीसरा जॉन विक चैप्टर 4, जो 24 मार्च को है, इसने काफ़ी इंतजार करवाया है हमें और इसमें एक्शन भर के है। और चौथा डंजन्स एंड ड्रैगन्स हॉनर एमंग थीप्स, जो 31 मार्च को है और ये मूवी पूरा एडवेंचर और फैंटेसी से भरा है। अब आते हैं अप्रैल में। अप्रैल में सिर्फ दो मूवी है। पहला सुपर मारियो, जो 7 अप्रैल को आ रहा है और ये एक एनिमेटेड मूवी है। और दूसरा एविल डेड राइज, जो 21 अप्रैल को है और ये पूरा हॉरर और थ्रिल से भरा है। अब आते हैं मई में। मई में भी दो मूवी है। पहला मार्वल की तरफ से एक और मूवी देखने को मिलेगा, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल 3, जो 5 मई को आएगा और ये जेम्स गन की लास्ट मूवी होगी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी को लेके और मार्वल में भी। दूसरा फास्ट एक्स, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 10, जो 19 अप्रैल को है। पता नहीं ये मूवी के फैमिली कब तक दिखेंगे। वैसे इसमें एक्शन एडवेंचर थ्रिलर सब है, तो फुल मजा। अब आते हैं जून में, और जून में सब मंथ से ज़्यादा मूवी है, टोटल 6। पहला स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, जो 2 जून को है और ये एनिमेटेड होगा। दूसरा ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट, जो 9 जून को है और ये होने वाला है असली बैडएस मूवी। तीसरा एलिमेंटल, जो 16 जून को है और ये एनिमेटेड होगा। चौथा एक्सट्रैक्शन 2, और ये भी 16 जून को है, इसमें अपने थॉर भैया एक्शन में दिखेंगे। पांचवा एक और मूवी जो 16 जून को है DC की तरफ से, द फ्लैश। 16 जून को तो भाई साहब आग लग जाएगी हॉल में। और लास्ट छठा इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, ये 30 जून को है और ये इंडियाना जोन्स की 5वीं मूवी है। अब आते हैं जुलाई में। जुलाई में भी कम मूवी नहीं है, टोटल 5 है। पहला इनसाइडियस फियर ऑफ द डार्क, जो 7 जुलाई को आएगा पूरा हॉरर के साथ। दूसरा मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, ये है 14 जुलाई को और इसमें ही अपने टॉम क्रूज ने खाई के ऊपर स्टंट किया है बिना सेफ्टी के। तीसरा बारबी 21 जुलाई को और इसमें हमारी हार्ली क्वीन है, मतलब मार्गोट रॉबी। चौथा ओपेनहाइमर, ये भी 21 जुलाई को है और इसमें असली का न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया गया मूवी के लिए। और पांचवा है द मार्वल्स, जो है 28 जुलाई को, जिसमें हमें कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रेम्बोय दिखेगी एक साथ। अब आते हैं अगस्त में, और अगस्त में सिर्फ दो मूवी है। पहला टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल म्यूटेंट मेहम, जो 4 अगस्त को है और ये एनिमेटेड होने वाला है। और दूसरा ब्लू बीटल, जो 18 अगस्त को आएगा और ये एक DC की तरफ से होने वाला है। अब आते हैं सितंबर में। सितंबर में दो मूवी है। पहला द नन 2, जो 8 सितंबर को है। इसका पहला पार्ट में हॉरर के नाम पे कुछ नहीं था, पता नहीं सेकेंड पार्ट में कैसा होगा। और दूसरा द एक्सपेंडेबल 4, जो 22 सितंबर को है, ये भी काफ़ी साल के बाद आ रहा है, लगभग 7-8 साल के बाद। अब आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में तीन मूवी है। पहला क्रेवन द हंटर, जो 6 अक्टूबर को है और सोनी इसे अलग ही नशे के साथ निकाल रहा है। दूसरा डैमसिल, जो 13 अक्टूबर को है, इसको मैं सिर्फ मिली बॉबी ब्राउन के कारण रखा। और तीसरा सॉक पार्ट 10, जो है 27 अक्टूबर को, इसके 9 पार्ट आ चुके हैं। अब नवंबर में सिर्फ एक मूवी है, ड्यून पार्ट 2, 3 नवंबर को, इसके लिए अच्छा है, इसके साथ कोई और बड़ा मूवी नहीं है, ये अकेले पूरे नवंबर पे राज करेगा। और अब लास्ट दिसंबर, दिसंबर के लास्ट में दो मूवी है। पहला रेबेल मून, जो 22 दिसंबर को है और इसके डायरेक्टर हैं जैक स्नाइडर, मज़ा आएगा देखने में। और इस साल का लास्ट मूवी है DC की तरफ से एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, जो 22 दिसंबर को है, एंड ऑफ 2023। बस अब ये देखना है एक्वामैन 2 कैसा परफॉर्म करता है। तो ये थे 2023 के आने वाले हॉलीवुड मूवी जो हमारे लिए हैं। अब आप बताइए कमेंट में, आप इनमें से किस 5 मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आपको सीरीज के भी लिस्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कॉमिकर्स।